सभी भक्तजनों को सब प्रणाम। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह है कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा अमर है, न इसे कोई जला सकता है न काट सकता है, फिर इसे यह भी कहा गया है कि जो पापी हैं उसे नरक में डाला जाएगा। तो नरक में डाला जाएगा तो वहाँ उसे जलाया जाएगा, काटा जाएगा, तो फिर वह डरता क्यों है? जब एक तरफ यह कहा जा रहा है कि उसे जलाया नहीं जाएगा, वो उसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, तो नरक में तो बॉडी जाएगी नहीं, आत्मा ही जाएगी, तो उसे डर क्यों है? देखिए, भगवान ने जो कहा है कि आत्मा अमर है, न इसे कोई जला सकता है न इसे काट सकता है, वह दिव्य आत्मा के संदर्भ में कहा गया है, यानी शुद्ध आत्मा के संदर्भ में कहा गया है। यानी आत्मा अपनी जब शुद्धता पर होती है उस समय की वह स्थिति होती है, उसको न जन्मना है और न ही मरना है। तो वह शुद्ध स्वरूप जो है निराकार स्वरूप है, तो निराकार स्वरूप जो है उसको कौन जला सकता है? न वो जलेगा न कटेगा, छोड़ निराकार में तो किसी प्रकार का कोई विक्षोभ, किसी प्रकार की कोई भी विकृति आने की संभावना ही नहीं है। तो वहाँ पर जलने और काटने और किसी प्रकार का भय का कोई संचार ही नहीं है। वह भाव से मुक्त अवस्था है। अब जो ये नरक में गिरने की बात है, नरक में पतन की बात है और नरक में सजा की जो बात है, तो वह जो है वह भाव शरीर का है, सूक्ष्म शरीर का है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वह तो अमर नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है, वह जन्मती है, उसी को मरना है। तो जन्मना मरना है तो वह सूक्ष्म शरीर को है, वह सूक्ष्म आत्मा को है। तो वह आत्मा जो है कि उसको कि दंड भोगना है, वह आत्मा सूक्ष्म आत्मा है, वह दिव्य आत्मा नहीं है। तो इस अर्थ को समझ लें, इस भिन्नता को नहीं जानने से लोगों में यह कन्फ्यूजन होता है। तो सूक्ष्म आत्मा वह है जिसके साथ पदार्थ का संबंध है, यानी जिसके साथ पदार्थ जुड़ा हुआ है, जो आकार लिया हुआ है, इसमें आकार प्रकार है, गुण है, तो निर्गुण नहीं है, गुणवान है, सगुण है और साकार है। तो हालांकि सूक्ष्म है वह, तो सूक्ष्म होने से वह सूक्ष्म आत्मा कहलाता है। तो वह आकार वाला है और गुण वाला है, और नरक का भय इन्हीं को होता है, किसी प्रकार का भय इन्हीं को हो सकता है। तो इनको जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, सताया जा सकता है। ये सारे भय जो हैं ये भाव शरीर को होते हैं। तो यह सूक्ष्म आत्मा है या भावात्मा है, तो इनको भय होता है या इनके लिए प्रयुक्त किया गया है या दिव्य आत्मा के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है, इस अंतर को आप लोग समझ लें। ऐसे बड़े बड़े साधु संत लोग भी इस अंतर को नहीं समझ पाने के कारण कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यह अंतर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई वीडियो में इस अंतर को समझाया भी है। जो लगातार हमारे वीडियो देखते हैं उन्हें इस चीज़ का पता है। हरिओम।